अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। आईएस 36 Impairment of assets. अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए आपने ना जब अपना LMS लगाएंगे आप तो उसमें मतलब एक सेक्शन हेडिंग होगी, मैंने उसमें IS-36 लिखा होगा, उसके नीचे लेक्चर 3, 4, 5, 6 ये चल रहा होगा। एक तरीका तो यह है कि मैं इसके साथ 3 की डिटेल में लिखूं, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, कि इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, लेक्चर 4 में साथ लिखूं कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो ये तो पूरा एक रजिस्टर ही बन जाएगा और रश मच जाएगा। तो आप लोगों को एडवाइस ये है कि आप ना अपने पास लेक्चर को सुन के अपने रजिस्टर के ऊपर एक तो लेक्चर नंबर नोट किया करना, और दूसरा मैंने जो जो पढ़ाया हो, क्योंकि मैंने आपको जो टेक्स्ट पढ़ाना है वो तो किताब से पढ़ाना है, मैंने कल भी बात की थी कि मैं आपको समझाऊंगा, जो न्यूमेरिकल वर्क करना होगा वो बोर्ड पे करूंगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बोर्ड पे करूंगा, बाकी मैं आपको बुक में से कहूंगा फलाना वाला पैराग्राफ पढ़ ले, वो नोट्स बनाए ही इसलिए हैं कि आप लोग उनको पढ़ें। तो वो ना फिर आप ये किया करना कि अपने रजिस्टर में नोट करना लेक्चर नंबर और साथ वो बुलेट पॉइंट्स या पेज नंबर लिखते जाना कि मैं उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा रहा था, ताकि आप कल को जब वो रिवाइज करना चाहें तो आपको पता तो हो कि कौन सी वीडियो लगा के देखनी है। तो ये आप लोगों ने खुद अपने पास ट्रैक रखना है इसका। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि चैप्टर हेडिंग दूंगा और उसमें जो लेक्चर आ रहे होंगे वो मैंने उस लिस्ट के अंदर रखे होंगे, उसके बाद अगली हेडिंग IFRS 5 की दूंगा, फिर लेक्चर 7, 8, 9 इसके अंदर चल रहे होंगे, ठीक है। मैं इस तरह से मैनेज करूंगा, आपने अपने रजिस्टर पर ट्रैक रखना है इसका कि लेक्चर 3 में मैंने क्या क्या पेज नंबर पढ़ाए थे, क्या क्या हेडिंग्स पढ़ाई थी, ताकि आप कल को रिविजन करते हुए जिस लेक्चर को खोलना चाहें फिर आप उसको देख सकें। और आप लोग भी आपके पास तो वीडियोज़ की एक्सेस नहीं, आप तो मुझे लाइव ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ जरूर नोट करते रहना, कुछ ना कुछ उससे ज़रा जागते भी रहते हैं। IS-36। अच्छा मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? डेटर रिसीवेबल। अच्छा आप में से कैफ में ये किस किसने नहीं पढ़ा हुआ? ठीक है, जीरो से ही पढ़ा रहा हूं। एक रिसीवेबल है, डेटर से पैसा रिसीवेबल है, एक डेटर से पैसा रिसीवेबल है 50,000। ये SOFP में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक एसेट शो हो रहा होगा। क्या एसेट क्यों है ये डेटर एसेट क्यों है? क्योंकि हमें इससे 50,000 रिसीव होने हैं। अच्छा बैलेंस शीट बनाते हुए ना तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स का तकरीबन एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेट्स बढ़ा चढ़ा के शोखे होके ना बताएं और लाइबिलिटीज छुपा के नहीं रखनी। ये एक सब के स्टैंडर्ड्स के पीछे ना एक मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, औकात से ज्यादा नहीं बढ़ाना। ये एसेट क्यों है? क्योंकि पैसे मिलने हैं। 50,000 का एसेट शो करने का मतलब है कि हम दुनिया वालों को बता रहे हैं कि 50,000 मिलने हैं। अच्छा अगर हमें यकीन हो जाए, चलो शक भी हो जाए कि इसमें से 10,000 नहीं मिलना, तो बचपन की अकाउंटिंग है, क्या करते हैं? प्रोविजन बना लें या कन्फर्म हो गया है तो राइट ऑफ कर लें। मकसद क्या है कि वो अमाउंट शो हो जो हमें लगता है कि मिल जाएगी। बैलेंस शीट में एसेट उस अमाउंट पे शो हो जो हमें लगता है कि मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। क्योंकि एसेट क्या होता है? जिससे नहीं फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने होते हैं। अच्छा इसी तरह से एक मिसाल, ये भी बचपन में कहीं पढ़ा होगा आपने, इन्वेंट्री एसेट है। किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में आता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अगर इसकी कॉस्ट है 100 मिलियन की और NRV क्या होती है? जबरदस्त, वो तो होती है, होती क्या है वो इन्वेंट्री जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, इतने की खरीदी थी या बनाई थी और अब से ऑनवर्ड बेचेंगे तो क्या मिलेगा, ये NRV है। तो अगर हमें इसको बेच के कल को 120 मिल जाएगा तो इसको बैलेंस शीट में 100 मिलियन कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसकी अब इतनी औकात नहीं रही, बेशक हमें ये 100 की कॉस्ट की थी लेकिन इससे मिलना ही 70 है, तो हम इन्वेंटरी को 70 कर लेते हैं कि इसकी औकात से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना।
इसी तरह से कुछ एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, इनके बारे में भी एक आईएस बनाया गया है जिसने ये इंश्योर करना है कि उन एसेट्स को बैलेंस शीट में जब शो करें तो अपनी औकात से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ईयर एंड पे किस वैल्यू पे प्रेजेंट होगा, इसको कौन सा आईएस डील करेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आईएस 16 ने बताना है कि ईयर एंड की कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट किस अमाउंट पे रिपोर्ट होगा, ये किसने बताना है? IS 38 ने बताना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस अमाउंट पे शो होगी, किसने बताना है? IS 40। तो सारे स्टैंडर्ड्स अपने अपने रेलिवेंट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट निकालना बता रहे होते हैं। IS 36 इसलिए बनाया गया है कि उन एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करते हुए बस तसल्ली कर लें कि औकात से ज्यादा तो नहीं है। तो ये मेनली अप्लाई होता है, मेनली। वैसे तो आईएस में यह बताया जाता है कि किस पे अप्लाई नहीं होता, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि यह मेनली किस पे अप्लाई होता है, ताकि आप सवालों को करते हुए इसको ध्यान में रख रहे हो। यह पीपी पे अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यह इनटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है। अच्छा, मैं कंप्लीट लिस्ट नहीं लिख रहा, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन मैं मेन, ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट बताऊं तो जहन में कोई पिक्चर बने ना कि किसकी बात हो रही है। तो मेनली ये पीपी पे अप्लाई होता है, मेनली इनटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है, और उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो कॉस्ट मॉडल पे, कल मैंने इसका एक रिकैप दिया था, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या तो कॉस्ट मॉडल पे होती है या फेयर वैल्यू मॉडल पे होती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो उसके ऊपर फिर ये आगे सप्लाई हो रहा है। इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? इसकी जिंदगी का मकसद ये है कि जब इन एसेट्स को अपने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक अमाउंट पे शो करने लगे, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट। अब मुझे उम्मीद यही बताएंगे आप, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्शन होती है। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? जिस अमाउंट पे वो बुक्स में कैरी हो रहा होता है, तो एसेट जिस अमाउंट पे बुक्स में कैरी हो रहा होता है वो कैरिंग अमाउंट है। तो आईएस 36 की जिंदगी का मकसद ये है कि जब ये एसेट्स अपने अपने आईएस के मुताबिक बैलेंस शीट में शो होने लगे तो औकात से बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। इसको इंपेयरमेंट टेस्ट करना कहते हैं। ये सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई, मैं भी आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे अगर एक प्लांट है, आईएस 16 के मुताबिक उसकी कैरिंग अमाउंट बनती थी 400 मिलियन, आईएस 36 एक अमाउंट कैलकुलेट करवाएगा, सिखाऊंगा वो, उसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट नाम से क्या लगता है कि जो अमाउंट इससे अभी रिकवर होनी है, तो वो आईएस 36 सिखाएगा कैसे कैलकुलेट करनी है। इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाली गई 430। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो प्लांट जो अपने रेलिवेंट आईएस के मुताबिक आईएस 16 इतने पे बुक्स में मौजूद है, उससे इतना बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है, तो इसको बेफिक्र होके बुक्स में 400 पे रहने दें। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट 380 है, तो इसका मतलब है कि वो एसेट जो हम 400 का शो करने वाले हैं उससे बेनिफिट हमें 380 मिलता नजर आ रहा है, तो हम एसेट को ओवरस्टेट कर रहे हैं। अकलमंदी ये है कि इसको कम करके 380 पे रिपोर्ट किया जाए, और ये जो 20 का लॉस है इसको इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। ये इस आईएस की कहानी है कि एसेट्स जो कि मेनली ये हैं, बैलेंस शीट में अपने अपने आईएस के मुताबिक जिस वैल्यू पे रिपोर्ट होने लगे, आईएस 36 सिर्फ ये तसल्ली करने को कह रहा है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लो भाई, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट इससे ज्यादा है तो ठीक है, अच्छी बात है, जिस अमाउंट को बुक्स में कैरी करने लगे हैं करें, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो क्या करें, तो एसेट को राइट डाउन करके रिकवरेबल तक ले आए, और ये जो डिफरेंस है ये इंपेयरमेंट लॉस है। ये इस आईएस की बेसिक कहानी है। इससे रिलेटेड कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ है तो बताएं। पहले पेज पे आए, बुक में चैप्टर टेक्स्ट पहले पेज पे आए। हाँ जी, चैप्टर टेक्स्ट वाली फाइल में, और बुक आप लोगों के पास है तो चैप्टर 1 है, तो 1.1.1 पहुंचे सबसे टॉप पे। स्कोप ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें याद रहें, ये सवालों में आएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इन एसेट्स पे ये अप्लाई नहीं होता, ये आईएस 36 इन एसेट्स के लिए नहीं है।
इन्वेंट्री के लिए ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आई एस टू खुद बता देगा क्या करना है। अच्छा, आई एस टू नहीं है आपके लेवल पे, बहुत बच्चों की चीज़ है। कॉन्टेंट एसेट्स, ये मैंने आपको IFRS 15 में एक चीज़ पढ़ानी है। कॉन्टेंट एसेट होता है, आप इसको डेटर की तरह की चीज़ समझ लें। कॉन्टेंट एसेट ये IFRS 15 में बताऊँगा, उस पर यह नहीं लगता। डेफर टैक्स एसेट एक चीज़ होती है, ये आपने कैफ में भी पढ़ा होगा, बहरहाल पढ़ाना है मैंने, उस पर ही आई एस नहीं लगता। IAS 19 ये मैंने पढ़ाना है एक दो टॉपिक्स के बाद, उसमें भी कुछ एसेट्स हैं तो उस पर ये नहीं अप्लाई होता। फाइनेंशियल एसेट्स, यानी किसी को लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन पर ही आई एस नहीं लगता। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पर लगेगा, कंसोलिडेशन में बताऊँगा क्या होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं लगता, तो मैंने तो कहा लगता है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर है तो लगेगा, फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो नहीं लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट्स, ये भी कैफ लेवल पर ही है, बस बहुत है, इस पे भी आईएस नहीं लगता। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और IFRS 5 इसके बाद मैंने पढ़ाना है, उस पे भी ये आईएस एस सच नहीं लगता। तो ये आपने नाम याद भी रखने हैं, सवालों में ये चीज़ काम आएगी कि किस पे इंपेयरमेंट लॉस वाला आईएस लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। तो मेनली ये रह जाते हैं, यानी जब हम लोग ये आईएस पढ़ रहे होंगे तो मेनली हम इसकी बात करेंगे। मैं आपको मिसालें, कभी इंटेंजिबल एसेट की मिसाल दे रहा हूँ, कभी किसी प्लांट की, कभी किसी बिल्डिंग की मिसाल दे रहा हूँ। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, इस पे आते हैं। अच्छा, इस कंपैरिजन का मकसद क्या है कि एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर कम है तो हमें इसको रिड्यूस कर लेना चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट होती है कि हमें इस प्लांट से फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। फ्यूचर बेनिफिट्स दो शक्लों में मिल सकते हैं। प्लांट खरीदने का मकसद बेचना होता है, बिल्डिंग खरीदने का मकसद तुमको बेचना है उसको, फिर यूज करना होता है। तो पीपी प्लांट की मिसाल ले लेता हूं, बिल्डिंग की मिसाल ले लेता हूं। इससे बेनिफिट लेने के दो रास्ते हैं, या तो इसको इस्तेमाल करें तो बेनिफिट्स मिलेंगे, और चलो अगर नहीं भी इस्तेमाल करना तो एक रास्ता तो खुला ही है, बेच दें। ये दो रास्ते हैं, एक को कहते हैं वैल्यू इन यूज, वो भी पढ़ाता हूं अभी तफसील से, और एक रास्ते को कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये दोनों भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। इन दोनों में से हायर को रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। मैं पेज 1 पे हूं, मिड से तकरीबन नीचे पॉइंट नंबर 1 और 2 बता दिया आपको। अच्छा, जो जो पॉइंट कहूं ना पढ़ने को, बेटा पढ़ना भी है, क्योंकि आपके जो ये सारे नोट्स बना के दिए, मैंने कल भी बात की थी कि या तो आप इन नोट्स को पढ़ें और पूरे आईएस को पढ़ें ताकि पेपर में आप आईएस लेके जाएं तो काम आए, उसका टाइम नहीं है। तो फिर अगर आईएस साथ लेके नहीं जाना तो चीजें याद भी करनी है आपने, तो इसलिए जो जो पॉइंट कहा करूं वो फिर पढ़ा भी कीजिए, ताकि कोई बात ना समझ आए तो पूछें। मैंने आपको पेज 1 पे तकरीबन मिड से नीचे ये जो आइडेंटिफाइंग एन एसेट लिखा हुआ है, इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बता दिया, पॉइंट 3 भी बता दिया, पॉइंट 1, 2, 3 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2 में एक टर्म है कैश जनरेटिंग यूनिट, ये पढ़ाना है अभी। हाँ जी, अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो फिर ये कहा जाता है कि एसेट इंपेयर्ड है, और जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस है। पॉइंट 4 भी पढ़ लें, एक बेकार सा पॉइंट है, पढ़ लें। कि अगर किसी एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट किया जा रहा होगा ना, अभी बताता हूं कि टेस्ट करने कब करते हैं, तो हो सकता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड, इसका एस्टीमेट चेंज करना पड़ जाए, चाहे ये इंपेयर ना भी हुआ फिर भी हो सकता है चेंज करना पड़े, लेकिन इसकी कोई खास एग्जाम सिग्निफिकेंस नहीं है। पॉइंट 1, 2, 3, 4 डन। हाँ जी, ओके जी, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट का IAS 41 ना उसको कहता है आप उसको फेयर वैल्यू पे हर ईयर एंड पे मेजर करें। IAS 41 में ना है ये रूल कि बायोलॉजिकल एसेट्स हर ईयर एंड पे, फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चीज़ होती है, उस पर रिकॉर्ड करना होता है। तो जब वो उसको हर साल अपडेट करवा ही लेगा फेयर वैल्यू पे, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, किससे डिक्रीज हो जाएगी,
मतलब किससे कंपेयर करके कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी? हाँ क्यों कर दें, किससे कम हो जाएगी, किससे कम हो जाएगी, अरे किससे कम हो जाएगी? मेरे पास जेब में 1500 रुपए हैं, कम है, किससे कम है? 1800 से कम है, 10,000 से कम है, 20,000 से कम है, किससे कम है? किसी से कंपेयर ही करना है ना। तो आप कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी, किससे कम हो जाएगी? नहीं, वो तो कम होनी ही है, जब ऐसे डेप्रिशिएट होता जा रहा है तो कैरिंग अमाउंट तो कम हो ही रही है, वो तो डेप्रिशिएट होने की वजह से कम हो रही है। रिकवरेबल अमाउंट है कि हम उससे कितने फ्यूचर बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी रिकवरेबल अमाउंट की बताता हूं ना कैलकुलेशन। कैरिंग अमाउंट तो बस डेप्रिसिएशन होते जाना है, कॉस्ट क्या थी, डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट, वो तो वैसे डेप्रिशिएट होकर कम हो रहा है। IAS 36 कह रहा है कि आप उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाल के कंपेयर करें। तो रिकवरेबल अमाउंट है एक चीज जिसमें फ्यूचर बेनिफिट देखने होते हैं। जिन ISS को इससे हटा दिया ना, वो ISS होते हैं मोस्टली जिनमें वैसे ही वो IAS उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करने का कह रहा होता है, तो वो उसी के अंदर कवर हो जाता है फायदा नुकसान, इसलिए यहां पर लाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने यहां पर कौन सी लिखी है, फेयर वैल्यू मॉडल, वो IAS 40 ही उसको औकात पे अपडेट करता रहेगा। ये IAS क्यों बनाए, ताकि एसेट को औकात से ना बढ़ाएं। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खुद ही औकात पर लाने के लिए काफी है, जरूरत ही नहीं IAS 36 की। Page 2 पे आए, Page 2 के टॉप पे पहले समझ लें इन एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने से क्या मुराद है, कि इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, किसी भी एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट करने से क्या मुराद है? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, वो कैलकुलेट करने में मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे इंसानों की मिसाल देता हूं, अगर आपने कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है किसी भी बीमारी का, कुछ भी, तो उस पे पैसे लगेंगे ना भाई, तो हर 15 मिनट बाद जाके टेस्ट कराते रहे हैं नहीं। तो कुछ बीमारियों के टेस्ट डॉक्टर्स कब करवाने को कहेंगे? जब सिम्टम्स होंगी। अच्छा, एक एज ऐसी आएगी कि उसके बाद डॉक्टर कहेगा यार हर महीने कराई लिया करो तो बेहतर है। तो कुछ इंसानों को छोड़ के नॉर्मल इंसान सिम्टम्स होंगी तो टेस्ट कराने को कहेगा। तो पेज के टॉप पे देखें, दो कैटेगरीज बनी हुई हैं। लेफ्ट वाली साइड पे देखें, Page 2 के टॉप पे 3 एसेट्स के नाम लिखे हुए हैं। गुडविल, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी बन रहे हैं, अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तीसरा, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है। ये लेफ्ट वाली साइड पे बात कर रहा हूं। 3 एसेट्स के नाम है, गुडविल, वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रहा है यानी नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, और वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है। इन तीनों की हर साल करनी होती है इंपेयरमेंट टेस्टिंग बिला नागा। इसके अलावा बाकी सब, इनकी सिम्टम्स होंगी तो करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। राइट कॉलम, अपने नोट्स में राइट कॉलम, बाकी सब एसेट्स हर साल के एंड पे सिम्टम्स जरूर चेक कर लेंगे कि हैं कि नहीं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो सब अच्छा है, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो लेफ्ट वाले 3 एसेट्स के लिए इंपेयरमेंट टेस्ट कब करना है? हर साल। और राइट वाले यानी इनमें से सारे सिवाय उन 3 के, हर साल सिम्टम्स जरूर चेक करेंगे, और अगर सिम्टम्स हुई तो इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। क्या मतलब इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे? कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करेंगे, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो बस फिर पेमेंट टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब ये वर्ड सिम्टम जो ढूंढ रहा है, सिम्टम का वर्ड नहीं लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ है इंडिकेशन का। सिम्टम तो मैं बीमारी के हिसाब से कह रहा था, इंडिकेशंस। तो साल के एंड पे चेक किया जाएगा कि इंडिकेशंस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो बस खत्म बात, अगर है तो फिर इंपेमेंट टेस्टिंग होगी। जागे जागे, हाँ जी। नहीं नहीं, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट बन रहा है, सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, अभी डेवलप हो रहा है। हाँ जी, उसके अलावा कुछ क्या? नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है अभी यूज के काबिल नहीं हुआ, नॉट इन यूज नहीं, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, अभी बन रहा है, अभी फार्मूला है डिजाइन हो रहा है, सॉफ्टवेयर है अभी डिजाइन हो रहा है, वेबसाइट है अभी डिजाइन हो रही है, तो वो है नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग उन 3 के अलावा बाकियों की कब करनी है? जब सिम्टम्स या इंडिकेशन हो। चले और आगे चलते हैं, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशंस की 2 कैटेगरीज हैं, उसी में आगे बढ़ाऊ मैं। एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। एक्सटर्नल बताता हूं पहले, जागे जागे जागे, एक्सटर्नल बताता हूं पहले।
एक्सटर्नल इंडिकेशंस और इंटरनल इंडिकेशंस का फर्क बताता हूं पहले, फिर सारी आइटम्स एक एक करके बताता हूं। अगर एक स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ रहा और उसके अब्बा जी उसकी फीसें दिए जा रहे हैं, तो अब्बा जी को कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है? जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, और टीचर शिकायत कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज से शिकायत आ सकती है, हमसायों से शिकायत आ सकती है। अच्छा, ये जो शिकायतें पहुंच रही हैं, ये उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से पहुंच रही हैं, और एक अब्बा जी को खुद ही नजर आ गया कि बच्चा हरकतें क्या कर रहा है। अब उनको खुद ही पता चल गया कि बच्चा ठीक नहीं है, ये उनको इंटरनली ही पता चल गया, किसी और से नहीं पता चला। तो एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, और वैसे कॉन्सेप्चुअली बात करें तो इससे जो अभी बेनिफिट्स मिलने हैं, यानी फ्यूचर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब के पीछे एंड ऑब्जेक्टिव ये है, एंड कहानी ये है कि जब कंपनी को ये लग गया कि एसेट में अब वो बात नहीं रही, अब इससे वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो हमने सोचे थे, तो ये एक इंडिकेशन है इंपेयरमेंट की। इन सारे जो 6-7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन सब के पीछे एंड कहानी एक ही है कि जब कंपनी को ये एहसास हो गया कि अब एसेट में वो बात नहीं है, अब वो बेनिफिट नहीं मिलते नजर आ रहे, तो ये एक इंडिकेशन है। या तो वो मोहल्ले वाले बता देंगे या हमें खुद पता चल जाएगा। तो जो बाहर वाली दुनिया से पता चलेगा वो एक्सटर्नल इंडिकेशंस, और जो कंपनी को खुद पता चल जाएगा वो इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल बताता हूं, एक मशीन है जिससे हम प्रोडक्ट ए बनाया करते हैं, उस मशीन की प्रोडक्ट ए नहीं, मशीन की, हमारे पास एक मशीन है उससे प्रोडक्ट ए बना के बेचते हैं, उस मशीन की मार्केट में वैल्यू अचानक गिरनी शुरू हो गई। हमारे पास एक मशीन है एसेट, उससे हम प्रोडक्ट ए बना के बेचते हैं, मशीन की मार्केट वैल्यू मार्केट में अचानक ही गिर गई। अच्छा, वैसे तो जैसे जैसे पुराना होता जाता वैल्यू गिरनी ही थी, लेकिन अचानक ही ज्यादा गिर गई, क्या वजह हो सकती है? कोई नया मॉडल मशीन का आ चुका है। अच्छा, अब इसकी और कहानी जोड़ते हैं, अगर कोई नया मॉडल आ गया है तो यकीनन वो शायद बेहतर प्रोडक्ट बना लेता होगा, शायद वो प्रोडक्ट अब सस्ते में बना लेता होगा, कंपेटिटर्स के पास अब वो मशीन आने लग गई है, हो सकता है वो बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, हो सकता है वो सस्ते में बनाना शुरू कर दें, प्राइस कम कर लें। इसका मतलब अब हमारा प्रोडक्ट ए शायद उतना महंगा ना बिक सके, अब हमारी इस मशीन से शायद उतने बेनिफिट्स ना आ सकें, तो ये एक इंडिकेशन है। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ, इंडिकेशंस एक्सटर्नल ए एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर ए बता दिया कि जो प्लांट है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई जितना हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा, वैल्यू तो डाउन होनी ही थी, क्यों डाउन होनी थी? क्योंकि मशीन ने पुराना होना था, एज अ पैसेज ऑफ टाइम पुरानी वैल्यू के गर्म होनी थी, उससे भी ज्यादा गिर गई, तो यकीनन कोई टेक्नोलॉजी बदली होगी। ये पॉइंट ए। अच्छा, पढ़ने वाली चीजें जल्दी जल्दी पढ़िएगा ताकि आप टेक्निकल चीजों पर आए और जागें। पॉइंट ए, पॉइंट ए डन। अच्छा जी, हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन की अब नई टेक्नोलॉजी, नए वर्जन आ चुके हुए हैं, सेम जो मैंने पहले बात की थी, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो ये इंडिकेशन हुई कि अब हमें इस मशीन से शायद उतने अच्छे बेनिफिट्स ना मिल सकें क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी वाले एसेट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है। फिर मार्केट में 10 कंपेटिटर और आ गए हैं, तो अब हम शायद उतनी सेल्स ना कर सकें, अब हमारी मशीनरी शायद उतनी प्रोडक्शन ना करें, शायद हमें उतने बेनिफिट्स ना मिलें, मार्केट में चेंजेस आ गई, गवर्नमेंट में चेंजेस आ गई, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, अब शायद हम उस तरह बिजनेस ना कर सकें, मुल्क के हालात बदल गए, डॉलर का रेट बढ़ गया, अब हम शायद उतनी अच्छी सेल्स ना कर सकें, तो मार्केट के हालात बदल जाएं, इकोनॉमी के हालात बदल जाएं, टेक्नोलॉजी के हालात बदल जाएं, किसी भी तरह कुछ हालात बदलें और उससे एडवर्स इफेक्ट पड़े, एडवर्स, तो ये भी एक इंडिकेशन है, एडवर्स पड़े, अच्छा भी पड़ सकता है, हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट्स होती तो डॉलर बढ़ रहा है तो बुरा असर पड़े। ये पॉइंट बी है। नहीं, पॉइंट वन के अंदर ना एसेट की वैल्यू गिर रही थी, वो तो मैंने उसकी एक पहचान बताई थी कि शायद टेक्नोलॉजी बदल गई हो। ये सारी इंडिकेशंस आपको एक जैसी इसलिए लगेंगी क्योंकि एंड कहानी सबके पीछे एक ही है कि अब वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो आगे आएगा। पॉइंट बी, मार्केट में चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, लॉ में चेंज आ जाए और उससे बुरे असरात पड़े,
तो ये इंडिकेशन है। पॉइंट नंबर सी, ये अभी नहीं, ये जब वैल्यू यूज पढ़ा दूंगा तो उससे रिलेटेड है। पॉइंट नंबर डी समझ लें। अच्छा, आईएएस पढ़ाते हुए जिन पॉइंट्स का ज्यादा ताल्लुक होगा ना न्यूमेरिकल सवालों से या एग्जाम के सवालों से, मैं उन पर फिर ज्यादा झिझोड़ भी रहा हूँ आपको, अभी मोस्टली बस नॉलेज के लिए चल रही है बात। एक कंपनी है, हम कंपनी ए हैं, इस कंपनी का जो इशूड शेयर कैपिटल है वो है 50 मिलियन शेयर्स। हम एक कंपनी है, हमारा इशूड शेयर कैपिटल 50 मिलियन शेयर्स है। इसकी मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो 40 रुपए पे हो रहा है। मल्टीप्लाई करिए, टू बिलियन है ना। इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैपिटल इनटू मार्केट प्राइस। आसान अल्फाज में, अगर इस कंपनी के सारे शेयर्स अभी के अभी किसी को बेच दिए जाते तो टोटल कितने के बिकते, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उस वक्त मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अगर अभी के अभी कोई इस कंपनी का 100% ओनर बनना चाहे तो कितने रुपए देके वो शेयर खरीद लेगा, 2 बिलियन। एसओएफपी में एसेट्स, इक्विटी, इक्विटी मतलब सारी इक्विटी, कैपिटल, प्रीमियम, सरप्लस, रिटेन अर्निंग, सब 2.6 बिलियन इक्विटी बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रही है। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आ रही होती हैं, क्या कहते हैं उनको, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, कैरिंग अमाउंट। इस कंपनी की इक्विटी की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 2.6 बिलियन, यानी बुक्स के मुताबिक ओनर इतने रुपए के मालिक हैं, जबकि मार्केट क्या औकात बता रही है कंपनी की, तो इसका मतलब है कि बुक्स में वैल्यू असल औकात से ज्यादा शो हो रही है, तो यकीनन एसेट्स भी बढ़ा चढ़ा के शो हो रहे होंगे। ये पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ। एक्सटर्नल सोर्सेस का पॉइंट नंबर डी, कि अगर कंपनी के नेट एसेट्स यानी इक्विटी की कैरिंग अमाउंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी अपनी हैसियत से ज्यादा वैल्यूज बुक्स में शो कर रही है, तो यह भी एक इंडिकेशन है। ये पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिकेशन है ना, वो फिर कंपनी फिर ध्यान करेगी। देखो, ये एक इंडिकेशन मिली, अब इससे कम से कम अलर्ट हो गया कि है कोई मसला, अब जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लग ही जाएगा कौन से एसेट्स हैं। अच्छा, ये इंडिकेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि आपको ना सिर्फ न्यूमेरिकल सवाल नहीं टेस्ट होते पेपर में, डिस्कशन के सवाल भी टेस्ट होते हैं। तो हो सकता है कहानियां सुनाई हो जिनमें एक प्लांट मशीनरी की तबाही बर्बादी की कहानी बताई हो, तो उसमें आपको इस तरह की दो चार इंडिकेशन दी हो, तो अब जब उसका आंसर कर रहे होंगे, आंसर भी अंग्रेजी में कर रहे होंगे, तो उसमें फिर आपको जिक्र करना पड़ सकता है इन चीज़ों का, इसलिए इतनी भी फारिग नहीं है ये चीज़ें। पॉइंट ए बी सी डी डन, सी नहीं डन, लेकिन वो बस हो गया, वो न्यूमेरिकल जब वैल्यू यूज पढ़ाऊंगा ना उससे रिलेटेड है। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ओके, इंटरनल, अब्बा जी को अपनी हरकतें बच्चे की सामने ही नजर आ रही हैं कि बच्चा सही नहीं पढ़ाई कर रहा, तो ये उनको खुद ही पता चल गया, ये इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो पॉइंट नंबर ई, कंपनी को खुद ही नजर आ गया कि एसेट डैमेज हो गया है, तो अब नहीं रही वो बात एसेट में, अब नहीं देगा उतने बेनिफिट्स, तो फिजिकली डैमेज हो जाए तो ये भी एक इंडिकेशन है। आप जो पूछ रहे थे, फिजिकल डैमेज हो जाना ये इंटरनल इंडिकेशन है। एक बस, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, और उसने एक बस खरीदी जो लाहौर से कराची के रूट पे चला दी, लग्जरी बस थी, महंगी बस थी, रूट भी अच्छा था, पैसे भी अच्छे मिल जाते थे, अच्छा कमा रही थी बस, लेकिन कंपनी ने अब हालात खराब होने के बाद या कोई और अच्छी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की चलने के बाद कंपनी ने फैसला किया कि इस बस को लाहौर कराची से हटा के लाहौर साहिवाल लगा लेते हैं। अब लाहौर साहिवाल का उतना किराया नहीं आना, फिर उस बस की हालत भी ज़्यादा ख़राब हो जानी है, जब वो दूध उसमें आ जाएगा तो बस की हालत भी ख़राब हो जाएगी। अब एक तो टिकट भी सस्ता होगा, बस भी जल्दी फारिग हो जाएगी, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने एक एसेट का यूज़ चेंज किया, पहले कराची लाहौर रूट था, अब लाहौर साहिवाल कर दिया। इस यूज़ के चेंज करने से
एसिड के बेनिफिट्स पे बुरा असर पड़ा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। ये पॉइंट नंबर एफ में लिखा हुआ है कि अगर मैनेजमेंट एसिड का यूज चेंज कर दे और उससे फिर बुरा असर पड़े, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद बुरा असर किसमें, टू द एक्सटेंट या इन द मैनर इन विच एसिड इज यूज्ड, तो एसिड को यूज करने के तरीके में चेंज कर दें और उससे बुरे रिजल्ट्स आए, तो ये इंडिकेशन है। और लास्ट पॉइंट नंबर जी, एसिड खरीदा था तो जिससे खरीदा था उसने बड़े बड़े दावे किए थे और हमने उस एसिड की लाइफ 20 साल एस्टिमेट करके डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि एसिड 20 साल चलेगा, 2-4 साल गुजरे एसिड की औकात का अंदाजा हो गया, अब हमें लगता है कि 20 नहीं, ये तो 12 साल में ही बस हो जाएगा। तो एसिड की परफॉर्मेंस जो सोची थी उससे वर्स रही, ये भी एक इंडिकेशन है। ये पॉइंट नंबर जी है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसिड वर्स देन एक्सपेक्टेड, तो ये हमें सब खुद ही पता चल रहा है जी। वो भी करेंगे, वो बात की बात, यानी अब तो वो आइंदा डेप्रिसिएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा ना, लेकिन फौरन उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी हो सकती है, ये बात की बात है। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए मैं सवाल रिपीट कर दिया करूंगा, याद करा देना अगर मैं भूल जाऊं तो। सवाल ये पूछा है कि अगर एक एसिड की लाइफ का एस्टीमेट 20 साल से कम होकर 12 साल हो गया तो वो तो एस्टीमेट चेंज है, तो हाँ एस्टीमेट चेंज तो है, डेप्रिसिएशन तो चेंज होगी अगले ईयर्स की, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस भी हो सकता है। ये इंडिकेशन है ना, अगर किसी को खांसी आ रही तो जरूर थोड़ी कि कैंसर है, इंडिकेशन है ना, तो इसलिए इंडिकेशन है, तो हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं। और ये जो पॉइंट नंबर एच है ये कंसोलिडेशन के बाद समझ आएगा। इंडिकेशंस डन। अच्छा, अब नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर किसी हद तक न्यूमेरिकल चीजों पे आता हूं, उसको पॉज कर दें फिर नमाज करते हैं। चलिए, पेज 2 पे हूं मैं। इंडिकेशन बता रहा था, उसमें मैंने ए से लेके जी तक बता दिया, और जो पॉइंट नंबर एच है ये कंसोलिडेशन के बाद। पेज 2 पे मैं और आगे बढ़ रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट अब कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले इससे और बेहतर पीस ला यार, इससे चाहे तो हाथ से भी डालूं। एक प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 500 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मैंने नहीं समझाया भी क्या है, समझाता हूँ, और वैल्यू इन यूज। अच्छा, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना ना मेहनत का काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है यार। ये देखना, मैं इसकी इसमें व्यूज आउट तो नहीं हो गया, ये नजर आ रहा बेटे? ठीक है। इसकी कैरिंग अमाउंट 500 मिलियन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 520 मिलियन है। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करें या रहने दें? हाँ जी, नहीं करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, ये मसला नहीं है, करें कैलकुलेट के, रहने दें, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इससे कम हुई तो ये रिकवरेबल है, ये ज्यादा है, और अगर ये 520 से ज्यादा हुई तो चलो और ज्यादा ही होगी। तो अगर ये दोनों कैलकुलेट कर रहे थे और इनमें से कोई एक कैलकुलेट हुई और वही कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पेज 2 के एंड पे सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ये पढ़ लें। पेज 2 सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट 1, हाँ जी, पॉइंट 1, ओके। वैल्यू इन यूज इसकी 480 है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
नहीं पता चल पा रही, बड़ी कोशिश की नहीं पता चल रही। हाँ जी, तो इसी से काम चला लेंगे। वैल्यू इन यूज मैंने भी आपको समझानी है, अभी सिर्फ नामों से जो पता चल रहा है वो बता रहा हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है कि अगर ये अभी बेचें तो कितने का बिकेगा, और वैल्यू इन यूज होती है कि इसको अगर यूज करें, वैल्यू इन यूज के इसको यूज करने में क्या वैल्यू छिपी है। तो प्लांट खरीदने का मेन मकसद बेचना था कि इस्तेमाल करना था, तो बस ठीक है, इस्तेमाल करने वाला बेनिफिट पता चल रहा है, ये ना भी हो खैर है, इसी से काम चला लेंगे। लास्ट पॉइंट, पेज टू, लास्ट पॉइंट, पेज टू लास्ट पॉइंट, ओके। वैल्यू यूज होती है कि एसेट को अगर यूज किया तो कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा बताता हूं। इसको मैं फिर रिफ्रेज करता हूं, वैल्यू इन यूज होती है कि एसेट को अगर यूज किया तो टोटल कितना बेनिफिट मिलेगा। इसमें वो भी शामिल है जो इसको इस्तेमाल करके, जैसे बस है, इस्तेमाल करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बस रूट पे चलेगी, इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, किराया मिलेगा, और 10-20 साल जितनी भी लाइफ है तब तक किराया मिलेगा, और आखिरकार बेचेंगे तो वो भी पैसे मिलेंगे। तो वैल्यू यूज में वो भी शामिल होता है, इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस एंड पे बेचेंगे तो क्या मिलेगा, वो भी शामिल होता है। अगर एक एसेट बस कुछ अरसे में बेचने ही वाले हैं, अगर एक एसेट बस कुछ अरसे में बेचने ही वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों बराबर होंगी। दोबारा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या क्या लगता है, अभी जितना भी बताया, अभी बेचेंगे तो कितने मिलेंगे, और वैल्यू यूज मैंने बताया कि यूज करेंगे तो यूज करते करते क्या मिलेगा प्लस एंड पे बेचेंगे तो क्या मिलेगा। अगर एक एसेट बस कुछ अरसे में बेचने ही वाले हैं तो वैल्यू यूज में वही आ रहा होगा जो बेच के मिलना है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये भी वही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों लग रहा है कि बराबर है तो वैल्यू यूज निकालने पे टाइम ना जाया करें। अगर एक एसेट बस तकरीबन बेचना ही है तो मैनेजमेंट को लगता है ये दोनों बराबर है, अगर ये कैलकुलेट कर ली है तो इसको रहने दे, टाइम जाया ना करें। अगर लगता है कि दोनों बराबर है और ये कैलकुलेट कर ली है तो इसको कैलकुलेट करने में टाइम जाया ना करें, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी एसेट नहीं बेचना, करना है यूज, अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले एक बात की थी, पिछले पेज का लास्ट पॉइंट, कि वैल्यू यूज पता है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता तो वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर वैल्यू यूज नहीं पता तो इससे काम नहीं चलेगा। ये तीन बातें की हैं मैंने, दोबारा करता हूं। पहली बात मैंने ये की कि वैल्यू इन यूज पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता। पहली बात मैंने की है वैल्यू इन यूज पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता, तो क्या करें, वैल्यू इन यूज से काम चला लें। दूसरी बात मैं स्किप कर रहा हूं, तीसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, वैल्यू इन यूज नहीं पता, तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें कोई और हल करना पड़ेगा। यार ये तो ऐसा कर रहा है, ठीक ठीक, अच्छा वो राबता मुनकता हो गया था, दोबारा बता दूं, तीन बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है। पहली बात, वैल्यू इन यूज पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता चल रही, तो वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। दूसरी बात स्किप, तीसरी बात, बल्कि मैं अगर नंबर बोलूं तो मैंने पहले पॉइंट टू बोला है, पिछले पेज का पॉइंट टू, इसको मैं पहली बात कह रहा हूं, वैल्यू यूज पता है, ये नहीं पता, काम चल जाएगा। पॉइंट थ्री स्किप करके चौथा पॉइंट बता रहा हूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, वैल्यू यूज नहीं पता, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी था जानना, इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा जिसको कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं, जिस पे अगली क्लासों में कहीं बात होगी। पहली बात, वैल्यू यूज पता है, फेयर वैल्यू नहीं पता, वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। तीसरी बात, वैल्यू यूज नहीं पता, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पता, तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर कैश जनरेटिंग यूनिट तक जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात, अगर तो लगता है दोनों बराबर है फिर इससे भी काम चल जाएगा। ऊपर से क्या, वैल्यू यूज पता है, फेयर वैल्यू नहीं पता, चल जाएगा। वैल्यू यूज नहीं पता, फेयर वैल्यू पता है,
काम नहीं चलेगा, कैश जनरेटिंग यूनिट तक जाना पड़ेगा। हाँ, अगर इन दोनों को लगता है कि बराबर ही हैं तो फिर काम चल जाएगा। ये मैंने आपको पॉइंट 3 और 4 बता दिया मिला जुला के। अगर ये टूटे फूटे भी समझ आ जाए तो काफी है। पेज 3 के टॉप पे पॉइंट 3 और 4 मैंने मिला जुला के बताए हैं, टूटे फूटे भी आ जाए समझ तो काफी है। पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू इंड्यूस लगता है कि फेयर वैल्यू से अंदर अंदर ही होगी या बराबर होगी तो फिर फेयर वैल्यू से काम चल जाएगा। ये तब होगा जब एसेट बस हमने तकरीबन बेचना ही होगा। और पॉइंट 4 में भी लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू इंड्यूस नहीं निकल सकती तो फिर हम कैश जनरेटिंग यूनिट तक जाएंगे और ढूंढ के लाएंगे वैल्यू इंड्यूस। तो ये पॉइंट नंबर 3 और 4 में तकरीबन मिलती जुलती मिला जुला के मैंने ये बात बताई। जी किधर है, कौन है? अच्छा, ये जो मोटी मोटी बात बताइए समझ आ गई, काफी है वैसे, लेकिन चलो मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है अगर रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? ये जो इसके बाद बात लिखी है ना, बिकॉज इट डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज। ये जब कैश जनरेटिंग यूनिट समझाने लगूंगा तो इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा। इस जुमले का कंक्लूजन ये है कि वैल्यू यूज नहीं निकल सकती, ये जो पूरी डेड लाइन है ना, बिकॉज इट डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। इस डेड लाइन का मतलब है कि वैल्यू यूज नहीं निकल सकती, देन हम रिकवरेबल अमाउंट कैश जनरेटिंग यूनिट की निकालेंगे। यानी फिर उस एसेट की वैल्यू यूज नहीं निकल सकती, हम कैश जनरेटिंग यूनिट नाम की एक चीज है, फिर वहां तक जाएंगे, वो अगली क्लासों में बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो इसलिए मैंने इसकी ज्यादा तफसील इसलिए नहीं बताई, ये लाइन का मतलब अभी समझाना है। लुबे लुबाब बता दिया कि इन 3 पॉइंट्स का क्या मकसद है। चलें अब ना न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसी पेज पे आगे बढ़े। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना सिखाता हूं। रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो वो होगी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। हम खड़े हैं 30 जून 22 पे, ईयर एंड है, और एक एसेट, एक प्लांट है जो हमारी बुक्स में आज 250 मिलियन पे कैरी हो रहा है। ये इसकी गुजरी हुई लाइफ है, ये इसकी आने वाली लाइफ है। 250 कैरिंग अमाउंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी बुक्स में इस वक्त ये एसेट 250 पे है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसमें दो चीजें हैं, एक फेयर वैल्यू और एक कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू, वैसे तो फेयर वैल्यू एक पूरा स्टैंडर्ड है, आखिर में कहीं पढ़ाऊंगा जाके, फिलहाल आसान अल्फाज में मार्केट वैल्यू। आल्दो के ये मार्केट वैल्यू सिर्फ नहीं है, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू निकालने का एक तरीका है, लेकिन अभी जब तक फेयर वैल्यू में आपको प्रॉपर IFRS 13 नहीं पढ़ाता तब तक आप उसको मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। तो फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, और वो भी क्या, बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। कॉस्ट टू सेल नाम से क्या लगता है कि हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट टू सेल, बेचेंगे तो क्या खर्चा होगा। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं, पहले मैं पिछला जुमला रिपीट करता हूं। कॉस्ट टू सेल का मतलब है कि बेचेंगे तो क्या खर्चा होगा, इसको मैं एक और एंगल से बोल रहा हूं, बेचेंगे तो यह खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए एक अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल होता है, इंक्रीमेंटल। तो फेयर वैल्यू मतलब अगर अभी बेचें तो कितने का बिकेगा, कॉस्ट टू सेल अगर बेचेंगे तो क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, और नहीं बेचेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, वो होगी कॉस्ट टू सेल। यानी वो इंक्रीमेंटल खर्चे जो बेचेंगे तो होंगे, तो जितने का बिकेगा माइनस बेचने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, इसका नेट आंसर होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पेज 2 पे हूं मैं, और नहीं 3 पे, पेज 3 पे हूं, पॉइंट नंबर 4 के नीचे हेडिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें, है तो ये डेफिनेशन प्रॉपर, लेकिन टूटा फूटा मतलब यही है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट, सेल एन एसेट, नॉट परचेज एन एसेट। देखिए मार्केट रेट ना दो तरह के होते हैं,
मार्केट रेट दो तरह के होते हैं कि अब अगर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा और बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। तो हम बात कर रहे हैं बेचने वाले की, प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल, तो मार्केट वैल्यू यानी कितने का बेचेंगे। इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन यानी फेयर ट्रांजेक्शन, ऑर्डरली सब तरतीब से अच्छी तरह इन ऑर्डर हो, कोई मजबूरियां इन्वॉल्व ना हो, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी बायर और सेलर। तो फेयर वैल्यू, ये तो है डेफिनेशन है, फेयर वैल्यू का मतलब अभी फिलहाल मार्केट वैल्यू। पॉइंट नंबर टू, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी अगर एसेट बेचेंगे तो बेचने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। कोई मिसाल, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है क्योंकि बेच के कस्टमर तक पहुंचाना होगा, हो सकता है कि किसी एजेंट के थ्रू बेचना पड़े तो कोई कमीशन हो सकती है, हो सकता है अखबार में इश्तिहार देना पड़े तो अखबार में इश्तिहार देने का खर्चा हो सकता है, हो सकता है कि अगर बेचा तो लोकल गवर्नमेंट उस पर कोई ड्यूटी लगा दे, वो ड्यूटी खर्चा हो सकता है। एसी लगा हुआ है इस वक्त दीवार पे, बेचना है तो पहले उसको अनस्टॉल भी करना पड़ेगा, वो उखाड़ने का भी खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं उखाड़ेंगे। ये सब खर्चे कहलाते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल। लेकिन इसमें कुछ खर्चे नहीं करने इंक्लूड, कर रहा होगा दिल लेकिन नहीं करने इंक्लूड, जैसे ये जो खर्चे करेंगे हो सकता है हम ओवरड्राफ्ट से इन खर्चों को करें, ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस, तो ओवरड्राफ्ट का पैसा इस्तेमाल करने से इंटरेस्ट पड़ जाएगा, तो वो इंटरेस्ट इस प्लांट को बेचने का खर्चा है, लेकिन बेचेंगे तो पड़ेगा क्या? देखें, बेचेंगे तो वो खर्चा करेंगे ना, तो इंटरेस्ट पड़ तो बेचने के लिए रहा है, लेकिन वो प्लांट बेचने का खर्चा नहीं है, वो हमारे पास पैसे ना होने का खर्चा है। अगर हमारे पास पैसा होता फिर तो ना पड़ता इंटरेस्ट, तो वो बेचने का खर्चा नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कॉस्ट टू सेल। इसी तरह से अगर इस एसेट को बेचेंगे तो इस पर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, तो टैक्स वाले आ जाएंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, तो वो इनकम टैक्स कॉस्ट टू सेल है, लेकिन बेचेंगे तो होगा। असल में ना एक एक आइटम नहीं टैक्स हो रही होती, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट टैक्स हो रहा होता है, क्या पता पूरा बिजनेस पे टैक्स ही ना लगता हो, क्या पता पूरा बिजनेस लॉसेस में हो, तो इसलिए इस पे पड़ने वाला इनकम टैक्स उसको नहीं कहना कॉस्ट टू सेल, और अगर खर्चे करने के लिए रनिंग फाइनेंस यूज किया हो और उस पर इंटरेस्ट पड़े उसको भी कॉस्ट टू सेल नहीं कहना। ये आपको मैंने पॉइंट टू बता दिया। ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है पॉइंट थ्री में, इसके अलावा पॉइंट थ्री भी बता दिया। पॉइंट टू और पॉइंट थ्री दोनों पढ़ लें। पॉइंट थ्री में जो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है शुरू में वो नहीं समझाया, बाकी पॉइंट वन टू थ्री तीनों बता दिए, पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया, कुछ नहीं पूछना। हाँ जी, अगर नहीं पूछना होता तो सब आपने नहीं पढ़ा, हाउएवर के बाद वाला पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर थ्री में जो हाउएवर के बाद लिखा है नहीं पूछना। अच्छा चलें, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। पॉइंट नंबर टू, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं, इंक्रीमेंटल, ओके, इंक्रीमेंटल वो सारे खर्चे जो एक्स्ट्रा हैं बेचने के लिए सिवाय फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स। पॉइंट नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल फेयर वैल्यू में से लेस होगी। एग्जांपल्स, लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट हमें हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े, स्टैम्प ड्यूटी हो सकता है स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करना पड़े, ट्रांजेक्शन टैक्सेस हो सकता है गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, ये प्लांट ये मशीनरी उखाड़ने का खर्चा, और कोई और डायरेक्ट इंक्रीमेंटल खर्चा। हाउएवर, प्लांट हमने अगर बेच दिया तो जो इस पे 200 मजदूर काम करते हैं उनको फारिग करना पड़ेगा फिर, और अगर उनको फारिग करना है तो उनको पैसे दे दिला के फारिग करना पड़ेगा, इसको कहते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये जो पैसे उनको देने पड़ेंगे ये प्लांट बेचने का खर्चा है, लेकिन है तो प्लांट बेचने ही का नतीजा। हाँ, उसका नतीजा जरूर है, प्लांट बेचने का खर्चा नहीं है। इसी तरह से एसी उतार के बेच दिया, ये जो इधर जिस लकड़ पे खड़ा हूं मैं, ये सब उतार के बेच दिया, तो वो जो अंदर से जगह खराब हो जाएगी, खुदाई हुई है सुराख हुए में, उनको ठीक करना पड़ेगा,
उनको बंद करके जो भी आगे पेंट शेंट करना है वो करना पड़ेगा, तो उस पर भी खर्चा आएगा। तो वो प्लांट ये एसी उतार के बेचेंगे तो वो खर्चा आएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं आएगा। तो फिर वो जो खड्डे हैं उनको दूर करने का खर्चा, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जरूर है, बेचने का खर्चा नहीं है। ये लिखा हुआ है हाउएवर के बाद। नहीं, अवॉइड होना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इस एसी को जब उतार के बेचेंगे तो पीछे जो इस पे खड्डे भरने हैं, जो पेंट कराना है, तो वो बेचेंगे तो होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा, तो अवॉइड हो सकता है वो। तो इसलिए अवॉइड होना हमारी बात ठीक नहीं है, है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, बेचने के लिए खर्चा है, कॉस्ट टू सेल, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेल नहीं, कॉस्ट टू सेल। तो वो खर्चा लेना है जो बेचने के लिए, नहीं खर्चा करेंगे तो बेच ही नहीं सकेंगे, वो है कॉस्ट टू सेल। तो हाउएवर के बाद ये लिखा हुआ है कि जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, यानी जो मजदूरों को नौकरी से निकालेंगे, एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस, यानी बिजनेस को फिर सही हालत में लाने के लिए, कब? फॉलोइंग द डिस्पोजल, डिस्पोजल के बाद, तो वो खर्चा नहीं है शामिल। ये हाउएवर के बाद लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ नहीं रहे यार आप, तो दो के अलावा पूछा ही नहीं किसी ने, वहीं से सारे ला दिया, पढ़ लिया, देख लिया। जी जी, मैंने ये बोल्ड वाला नहीं बताया अभी, ये बोल्ड बताता हूँ अभी। पॉइंट नंबर थ्री में ना एक बोल्ड करके मैंने कुछ लिखा, ये नहीं बताया अभी, ये बताता हूँ। यहाँ तक जितना बताया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ओके। IAS 37 एक प्लांट इंस्टॉल हो गया और हमने गवर्नमेंट से वादा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इसको हम यहाँ से उखाड़ के भी जाएंगे, तो इसके लिए बनती है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। इसके लिए रिकॉर्डिंग होती है प्लांट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अगर ये एंट्री हो चुकी, यानी डिसमेंटलिंग का खर्चा करने की एक लाइबिलिटी बन चुकी, डिसमेंटलिंग का खर्चा करना लाइबिलिटी बन चुका, $20 million की हम डिसमेंटलिंग की ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हुए हैं, अगर हमने इस प्लांट को बेचना हुआ तो उसको उखाड़ना भी तो पड़ेगा, तो उसको जब उखाड़ेंगे तो वो कॉस्ट टू सेल, अभी पढ़ा यार, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, तो वो कॉस्ट टू सेल है। अगर तो ऑलरेडी ये अकाउंटिंग हो चुकी है, फिर इसको कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। अगर इस डिसमेंटल करने की लायबिलिटी ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, यानी ये अकाउंटिंग हो चुकी हुई है, तो फिर कॉस्ट टू सेल के अंदर ये एसेट उखाड़ने का खर्चा नहीं काउंट करना। अगर ये अकाउंटिंग नहीं हुई तो फिर कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट हाँ है कॉस्ट टू सेल, लेकिन अगर ये अकाउंटिंग हो चुकी है तो फिर नहीं। ये उधर बोल्ड करके लाइन में लिखा हुआ। अगर ये सवाल में चीज टेस्ट हुई तो उसके लिए गाइडेंस मौजूद होगी, अगर नहीं हुई तो फिर आप अजम्पशन लेके चल सकते हैं, आप अजम्पशन नोट दे देंगे कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की डिस्कशन पे ना,
बस मैं लेक्चर 3 क्लोज करके तो अब लेक्चर 4 लगाता हूँ। ठीक है, लेक्चर 3 यहाँ क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।